शादुल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, जिंदा हूँ अभी तक। ये बताइए कि किरदार के बारे में कुछ बताइए कि आदि आपका नाम है इस किरदार का, कुछ बताइए क्या एग्जैक्टली है। तो आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने भी किरदार के बारे में इतने सवाल नहीं पूछे हैं, क्योंकि जब मुझे कॉल आया था तो देयर वाज ओनली टू रीजंस व्हाई आई वुड डू इट। वन इज मी एंड कुंद्रा हैव नॉट शॉट फॉर अ शो फॉर इयर्स। आई थिंक इतनी वाज द ओनली शो वेयर वी वर टुगेदर एंड दिस वॉज लाइक अ फन कैमियो, सो आई थॉट दैट लेट्स जस्ट डू इट। और जो शो की राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं जेसिका, वो भी मेरी दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू से येस। तो मैंने इतने सवाल ही नहीं पूछे थे, बाद में मुझे पता चला कि येस ही इज़ समबडी जो रीम जो हैं उनके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, ये जो उनके सुपर नेचुरल पावर्स वाला कैरेक्टर है उसके बेसिकली, एंड दैट इज़ हाउ आई एम कमिंग टू दिस शो। बट जब आपको बताया गया तो कैसा एक रिएक्शन था आपका, यू नो करना है नहीं करना है कुछ? ऑनेस्टली मैं कृष्णा मुखर्जी की शादी पे जाने वाला था एंड माई टिकट्स वर बुक्ड, बट वेन यू नो जब ये कॉल आया, आई हैव ऑलरेडी डन अ शो विद बियॉन्ड इसके पहले चन्ना मेरिया, एंड व्हेन इट हैपेंड दे वर लाइक नो 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 यू विल हैव टू कैंसिल। तो मुझसे किसी ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, मुझे बताया गया कि मुझे करना है, एंड ऑनेस्टली आई वाज लाइक कि यू नो कुंद्रा इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेंड एंड एवरीबडी नोज दैट, एंड मैंने ज़्यादा सवाल ही नहीं पूछे, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे मैक्सिमम शूट करना पड़ेगा रीम कुंद्रा एंड गश्मीर के साथ, सो आई वाज लेट्स हैव फन। ओके, जो आपका कैरेक्टर था चन्ना मेरेया में, यू नो एक बहुत ही स्वीट और यू नो बहुत ही अलग था, और इसमें जो कैरेक्टर होने वाला है ये काफी ज्यादा स्वीट बिल्कुल नहीं है ये, हाँ ये ज्यादा अलग होने वाला है, तो ये प्रिपरेशन ये आई डोंट नो कि भेड़िया स्वीट कैसे होता है। मतलब मैं तो स्वीट वाला भेड़िया नहीं हूँ फॉर श्योर, मैं आया ही किसी बदले की वजह से हूँ, किसी वेंजेंस की वजह से हूँ शो में, एंड मेरा मकसद ही वो है, तो मैं स्वीट तो बिल्कुल नहीं। नहीं, चन्ना मेरेया में जो आपका कैरेक्टर था वो काफी ज्यादा मतलब वो स्वीट था, ये बिल्कुल स्वीट नहीं है, ये बिल्कुल स्वीट नहीं, ये उसके बहुत ऑपोजिट है। चन्ना मेरेया वाज अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, दिस हैज शेड्स ऑफ ग्रे। ओके, चन्ना मेरेया के बाद क्या बदला, कुछ क्या कर रहे थे शार्दुल के द्वारा? चन्ना मेरेया के बाद आई जस्ट फिनिश्ड अ वेब प्रोजेक्ट जिसके आई थिंक इस मंथ एंड से प्रमोशंस वगैरह स्टार्ट होंगे, तो जब हम आप लोगों से बात कर पाएंगे, इनफैक्ट आई वाज शूटिंग टिल लास्ट वीक फॉर दैट ओनली, तो येस एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि पहली बार मैं एक्टिंग में कॉमेडी कर रहा हूँ, बिकॉज लोग मुझे एंकरिंग में कॉमेडी के लिए जानते हैं, या बिग बॉस में भी लोगों ने कॉमेडी एलिमेंट्स देखे हैं, बट मैंने कभी कोई कॉमिक रोल नहीं किया है, एंड दिस इज़ अ हॉरर कॉमेडी जॉनर, जैसा कि आप देख चुके हैं स्त्री है या जितने भी आजकल आ रहे हैं, भेड़िया था वैसा ही ये है एक शो जो बहुत जल्दी लॉन्च होगा, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता बिकॉज अगेन प्लेटफॉर्म्स के इशूज़ होते हैं। लेकिन किस तरीके का जॉनर आप मतलब पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा करना, क्या कुछ उस बारे में? ऑनेस्टली मैं लाइक एवरी टाइम आई एम नाउ एक्टिंग इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, वन इज दैट आई विल नॉट लीव माय रेडियो, सो पीपल नीड टू बी रेडी फॉर एडजस्टमेंट्स, एंड सेकेंड इज आई वॉन्ट एक्सपेरिमेंट, बिकॉज अभी मैं एक्टिंग आई एम नॉट डूइंग इट फॉर ब्रेड एंड बटर, आई एम नॉट डूइंग इट कि मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि वो मेरे आ रहे हैं पॉडकास्ट बिजनेस से, रेडियो से, एंकरिंग से, ये अब मैं सिर्फ फन के लिए करता हूँ। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ आई डिड चन्ना मेरेया, इट वाज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, आफ्टर दैट द वेब प्रोजेक्ट दैट आई डिड, नॉट मेनी पीपल हैव सीन मी इन अ कॉमेडी रोल, एंड दैट टू प्लेइंग अ जाट, सो दैट वॉज द रीजन आई डिड दिस, दिस प्योरली फॉर the fact that you know werewolves, vampires, nagin, jitne bhi ye sare shows hote hain, iska ek alag kink hota hai, ek alag maza hota hai, and I think my nephew baad mein jayega jab bada hoga to IMDb mein dekhega ki acha main werewolf bhi bana hu, vampire bhi bana hu aur comedy roles bhi kiye hain, so yeah, that is I am now having fun. In fact there's another thing that I am shooting right after this show, which is historical thing jo again logon ne nahi mujhe dekha hua hai, so I am now just doing things that make me happy. Okay,
अच्छा, कौन से शोज को आप फॉलो करते हैं? मतलब जैसे कि बहुत सारे सुपर नेचुरल शोज आ चुके हैं, नागिन है, नागिन के तो कई सारे सीरीज में, और बहुत सारे सुपर नेचुरल शोज हैं, तो आपके कौन से अभी पसंदीदा तो हम तेरे इश्क की बात करेंगे क्योंकि हम लोग वहां बैठे हुए हैं और अब मैं भी उस शो का पार्ट हूँ. सो राइट नाउ यस दैट आई हैव सीन कपल ऑफ एपिसोड्स ऑफ नागिन बिकॉज एवरीबडी नोज आई एम इनफैक्ट इफ कुंद्रा इज नॉट हियर आई एम अ ह्यूज तेजस्वी फैन एंड वो हमेशा मुझे इस बात के लिए छेड़ता है कि भाभी बोल बट आई रियली लाइक हर. आई थिंक तेजस्वी इज अ वेरी क्यूट गर्ल, तो मैंने तेजस्वी की वजह से नागिन जरूर देखा हुआ है.